हमारा तो ऐसा ही है, कितनी भी तारीफ करें तो उनकी तारीफ का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। गोपियां सब अलग अलग भाव बता रही हैं और पूरे नंदगांव में जितने ग्वालपाल हैं, क्योंकि नंद के घर में बुढ़ापे में जब उनकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, तब जाके लाला का आगमन हुआ था। जितने भी देवता लोग हैं सब उनका दर्शन करने के लिए आते हैं लाला को। और आज मेरे भाई बहन भोले बाबा कैलाश पे बैठे हैं और पार्वती मैया फटाफट तैयार हो रही हैं, तो कहते हैं बाबा कि कहां जा रही हो? बोलती लगता आपको पता ही नहीं है क्या, हमारे विष्णु जी लीला करने के लिए नंदगांव में बालक रूप में प्रकट लिए हैं, उन्हीं को देखने जा रही हूं। और ऐसा हुआ, बाबा कहते मैं भी जाऊंगा, मां कहती है कि देखो आप कहां जाओगे, कोई आपको अपने आंगन में भी घुसने नहीं देगा, और बच्चे तक कहां पहुंचोगे तुम? ठीक है तुम जाओ, मैं भी आता हूं। आज बाबा आए हैं, दरवाजे पे कह रहे हैं अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अरे यशोदा लाला का मुंह दिखाओ, देखो तुम्हारे घर के दरवाजे पे कौन आया है, एक संत आया है, अपने लाला को दिखलाओ। चुदासी कहती है मैया कोई संत आया है, और इतनी व्यवस्था बनी रहती है, दान पुण्य का कार्यक्रम होता रहता है। रोहिणी मैया और यशोदा मैया, नंद बाबा सब अपने अपने काम में दान पुण्य में लगे हुए हैं, फुर्सत कहाँ है? और अनेक दरवाजे हैं घर के, कोई उस दरवाजे पे कोई उस दरवाजे पे, बाबा आवाज लगा रहे हैं। अंत में यशोदा मैया कहती है कि इतनी आवाज लगा रहा है कोई संत है, चलो चलती हूं। जब आती देखी कि एक संत गले में सर्पों की माला, कान में बिच्छू, कंगन भी है तो सांपों के हैं, गेरुआ वस्त्र पूरा भस्म लगाए हुए हैं, डरावना दिखाई पड़ रहे हैं। कहती बाबा हीरे मोती जो भी चाहिए ले लो, लेकिन लाला को नहीं दिखाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या है? बाबा ऐसा है कि आपने जो पहन रखा है, वो आपने जो गहने पहने हैं ना, वो छोटा सा बालक देख के डर जाएगा, और डर जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपने लाला को किसी प्रकार का मैं कष्ट दूं, मैं नहीं देना चाहती। और देखिए ये कह के अंदर चली गई, और जब अंदर गई है फिर आवाज लगाए बाबा ने, और ये आवाज सुनकर अब मैया आ रही झुंझलाती हुए, अरे कहा ना कुछ नहीं दूंगी, और लेना है तो क्या चाहिए वो बताओ, लेकिन लाला को नहीं दिखाऊंगी। तो भगवान कह रहे भोले बाबा, अरे मैया तू क्या जानो, मैं तो अपने गले में एक सर्पों की माला पहना हूं, तुम्हारा जो लाला है ना सोम वाले सर्पों के ऊपर लेटता है। मैया कहती है कुछ कहा क्या बाबा आपने? नहीं नहीं मैया मैंने कुछ कहा नहीं, एक बार तू दिखा दे लाला को। थक जाते हैं भोले बाबा, लेकिन यशोदा नहीं दिखाती, कहती है कि बाबा कहते हैं भोले बाबा कि मैं बैठ के धुनी रमाऊंगा, बिना लाला को देखे मैं नहीं जाऊंगा। तो कहती है कि मेरे तो इतने दरवाजे हैं, आप इसी दरवाजे में बैठे रहना, मैं दूसरा दरवाजा खुलवा दूंगी अपने बेटे के लिए। ठीक है जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना लाला, तो खेलता हुआ बाहर आएगा,
बोलती मैं कितने साल तक घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी, निकलने नहीं दूंगी। थककर भोले बाबा चले जाते हैं। आज भी नंदगांव जहां है ना, नंदगांव के कुछ दूरी पे भोले बाबा का वो स्थान आज भी है। आप जब नंदगांव जाएंगे तो घर के ऊपर से आपको नंदगांव दिखाई पड़ेगा, जहां हमारे भोले बाबा आसन लगा के बैठ गए थे। अब अंदर में कन्हैया और बलराम जी जो हैं, कन्हैया कह रहे हैं दाऊ क्या किया जाए, भोले बाबा तो चले गए लौट के और हम लोग इतने छोटे हैं, जा भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, झूला में दोनों आस पास में ही लेटे हुए हैं और आपस में बात कर रहे करबट होके, क्या किया जाए। तो दाऊ कहते हैं अरे तुम तो लीलाधारी हो, कुछ लीला करो। बस कन्हैया समझ जाते हैं, जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मैया आती, क्या हो गया मेरे लाला को, क्या हो गया। अब ना वो दूध पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रोते हैं, रोए जा रहे। दिन से रात हुई लेकिन चुप ही नहीं हो रहे। मन ही मन कहते मैया कब तक तू अपने लाला को रुलाएगी, बाबा को बुलाओ ना, जब उनका दर्शन हो जाएगा ना मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन मैया कहां मानने वाली। तभी एक बूढ़ी गोपी आती है, कहती अरे जशोदा कहां है तेरा लाला, लाओ मैं चुप कराऊंगी। बोलती ओहो इसे कोई संत का नजर लग गया है, संत का नजर लग गया है। बोलती अम्मा मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। बोलती कहां देखेगी, वो हिमालय पर्वत के पास एक झोपड़ी गांव है, मैं वहां से आई हूं बेटा, मैं सुनी कि तुम्हारे घर में इतना बरसों के बाद लाला का जन्म हुआ है तो मैं रह नहीं पाई, मैं भी सोची कि दर्शन कराऊं। देखिए ये माँ पार्वती हैं, बूढ़ी का रूप धारण करके आई हैं और मन ही मन कहती बाबा आप तो आके बाहर में धरना दिए हैं, हम तो आके दर्शन कर लिए और मैं चाहूंगी तभी आप आ सकोगे। अब कहती है अम्मा देखिए पहले गांव में पहले भी क्या अभी भी जो बूढ़ी माताएं होती है ना बहुत कुछ जानती घरेलू उपचार, लेकिन हम नहीं समझ पाते, बच्चा रोया तुरंत डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कितने उपचार हैं जो हमारे घर की बूढ़ी माताएं कर देती हैं आसानी से, घरेलू दवा। तो कहती है माँ ये बताओ कि मेरा लाला कैसे चुप होगा। बोलती जो बाजू में एक बाबा बैठे हैं ना, कहाँ मुझे पता चला है एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, गले में सर्पों की माला भस्म लगाए हुए हैं। बोलती हाँ हाँ कुछ दिन तो पहले आए थे, तो उन्हीं को बुला लाओ, वो बहुत तंत्र मंत्र से ठीक कर देंगे तुम्हारे लाला को। आज मैया जशोदा अपनी एक दासी को भेजी है, भोले बाबा आए हैं और दरवाजे पे खड़े हैं, कहते अरे जशोदा कहाँ है दिखाओ लाला को। डरती डरती मैया आगे बढ़ी है, दरवाजा के एकदम चौखट पे उस साइड हमारे महादेव खड़े हैं और इधर मैया खड़ी है, चरणों को दिखा रही है, ये है मेरा लाला, हाँ माँ चरणों को ही दिखलाओ, पहले मैं इनके चरण को ही देखना चाहता हूँ। प्रणाम करते हैं, प्रभु बालक रूप में अब कितने सुंदर लग रहे हैं, और धीरे धीरे उनके चेहरे को देखते हैं। दूर से ही कन्हैया की जैसी नजर पड़ी हमारे भोले बाबा के ऊपर में, एक दूसरे को देख रहे हैं भोले बाबा और हमारे लाला, देखते ही हमारे छोटे से गोपाल चुप हो गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, चुप हो गए और देखते ही कहा प्रणाम महादेव, और महादेव जी ने भी प्रणाम वंदन किया और इशारों में कह दिया कि अब मैं चलता हूं कैलाश पे, अब आप लीला करो, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना। बोलिए शंकर भगवान की।
पार्वती मैया की अनेक अनेक लीला। और मैया जो है यशोदा, आज सबों को दान देने के बाद, शगुन बधाइयां देने के बाद, आज अपने जो उन्होंने शादी में पहनी थी ना लहंगा चोली, वो सारा और जितने भी श्रृंगार थे, आज मैया ने अपने आईने के सामने बैठ के वो सारे जेवरात को पहना है और अपने आप को देख रही है। कहती है, प्रभु मेरी इतनी उम्र हुई तब जाके आपने मुझे माँ बनाया। 16 श्रृंगार किया है मैया ने, जड़ावदार कंगन हार सीता हार, मैया ने सब कुछ पहनना छोड़ दिया था। आज मैया ने पूरा श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके मैया अपने लाला को गोद में लेके बैठी हुई है और सब देखने वाले आ रहे, बधाइयां दे रहे हैं। कितना सुंदर वो समय रहा होगा, आप मानसिक रूप में थोड़ा सोच के देखिए, कितना सुंदर जब रहा होगा जब मैया लाला को गोद में ली है, रोहिणी बलराम जी को लेके बैठी हुई है। आज बाबा ने भी अपनी पूरी सफेद दाढ़ी को काली कर दी है खुशी में, और गौओं के लिए हरी हरी घास, ऐसा कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, ऐसा कोई भी जीव छूट ना जाए जो मेरे लाला की बधाई ना ले पाए। तो पूरा एक महीना का उत्सव चला। आज हमारी मैया लाला को गोद में ली है और लेकर निहार रही है, उसके सुंदर रूप को देख रही है। घुंघराले बाल हैं, बड़े बड़े आंखें मृगनयन की तरह दिख रहे हैं, होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है, और मैया के लाला भी मैया को खूब गौर से देख रहे हैं। अब तो नंद गांव में गोपियों का कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि ये उत्सव ही ऐसा है। और हमारे लाला ऐसे है ना कि जो उनको देखने आता उनको तिरछी नजर मार के मनमोहित कर देते, वो जो आते देखने के लिए वो वहां से जाता ही नहीं। हर कोई बहाने मार के, बहू कहती, बहू को कहती सासू माँ आज ऐसा है कि मैं सोच रही हूं कि आज मैं जमुना से जल भर के ला देती हूं, तू घर में खाना बना। तो बहू को लगता है कि ना सासू माँ तो बड़ी काम कर रही हैं, वो गागर लेके सीधे नंद के बाबा के घर चली आती है लाला के पास, और वो भी कहती है कि अच्छा छोड़ो अभी तो खाना बनाने में लेट है, माता जी तो आई नहीं अभी तक जल लेकर, तो थोड़ी में तब तक जल लेके आएगी ना सासू माँ, तब तक मैं तो लाला से मिल के आ जाऊं। तो सारे लोग वहीं मुलाकात हो जा रही है, खाना बने कैसे, बहू भी वही है, बेटी भी वही है, सासू माँ भी वही है, सब नंद गांव में बस एक ही काम है, सुबह उठना है और लाला के पास चले जाना है। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से। तो इस तरह दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं। आज मेरे गोपाल जी थोड़े बड़े हुए हैं, 2-3 महीने के हुए हैं, और आज ही एक उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? जब बहुत दिनों के बाद घर में पुत्र पैदा होता है तो अगर बच्चा एक बार हंस दिया तो उत्सव, अगर एक बार बच्चा करवट बदल लिया तो उत्सव। उत्सव मनाने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। आज लाला सिर्फ मुस्कुरा दिए हैं, जोर जोर से, खूब जोर से हंसे हैं खिलखिला के, तो उत्सव। और ये बात मथुरा के जो राजा है ना कंस, ये पता लगा कि आजकल देखिए मथुरा में जो नंदगांव के जितने लोग थे वो कर चुकाने के लिए दही माखन और मट्ठे छाछ मथुरा में दिया करते थे जाके कंस को कर के रूप में। तो अब देख रहे हैं क्या कि कंस देख रहा है कि बहुत कम लोग आ रहे हैं देने के लिए, पता लगाओ क्या कारण है।
सब कहां गायब हो गए हैं? क्या गौ माता दूध देना बंद कर दी है कि माखन निकलना बंद हो गया है नंदगांव में? सबों ने बताया, कुछ लोगों ने, कि वहां तो उत्सव मनाया जा रहा है। क्या चीज का उत्सव? तो उनके घर में लाला का जन्म हुआ है। आज अचानक कंस को एक भय पैदा हुआ और सभी को, अपने जितने उसके साथी थे, बकासुर, अधासुर, त्रिणावत, पूतना, जितने भी बलशाली दैत्य थे, सबको बुलाया और कहा कि देखो अगल बगल कि जितने गांव हैं और जो बच्चे अभी एक महीना के अंदर पैदा लिए हैं, सबों को मार दिया जाए। सबों को ड्यूटी मिल गई अलग अलग। और पूतना जो है ये मायावी है रूप बदलने में। मेरे भाई बहन, इसको काम मिला है अपने थन में विष लगा के बच्चों को पिलाना और उसकी हत्या कर देना। पूतना क्या की है, नंदगांव के पास आती है और आते ही एक सुंदरी गोपी का रूप धारण कर ली है। धारण करके इतनी सुंदर दिख रही है, मटक मटक कर चल रही है, तो गांव के बच्चे खेल रहे हैं। पूछा, नंद बाबा का घर कौन सा है? बच्चों ने सोचा कि लगता है साक्षात कोई लक्ष्मी आ गई है, इतनी सुंदर रूपवती दिख रही है वो। बोली, जो जो सबसे सुंदर मकान है और जिनके घर के आगे और पीछे लाखों लाख गौ माताएं बंधी हुई हैं, वही नंद बाबा का घर है। पूतना बचती बचाती हुई आती है दरवाजे पे और कहती है, नंदरानी नंदरानी, लाला को देखने आई हूं। कोई आवाज नहीं पाई। आज पूतना घर के अंदर प्रवेश कर गई है और प्रवेश करके देखा, इतने अच्छे वस्त्र पहनी हुई है, इतनी अच्छी दिख रही है कि रोहिणी मैया और जशोदा माँ देखकर भी अनदेखा कर दिया। सोची कोई गांव की कोई गोपी लाला को देखने आई होगी, ध्यान नहीं दिया। और तभी पूतना आवाज लगाती हुई अंदर प्रवेश कर जाती है चौखट के। जैसे ही चौखट के अंदर प्रवेश करती है, दाऊ जी पालने में बलराम जी सोए हुए हैं और कन्हैया जो है उनके बगल में है। कहते, दाऊ देख रहे हो कौन आ रहा है? हाँ मैं सब देख रहा हूं। अब ये बताओ, मैं लीला करने चला हूं और प्रथम में ही महिला का सामना हो जाए। अगर आप किसी को अच्छा काम करने चले हैं और प्रथम में ही किसी को मारना है और वो हो कोई महिला, तो दाऊ भैया ये तो अच्छी बात नहीं है। और वो भी देखो ना, एकदम गोपी के रूप में आई है, एकदम मैया की तरह, जशोदा मैया की तरह। प्रभु ने आंख मूंद लिए। कितने संतों का कहना है कि प्रभु ने आंखें इसलिए मूंद ली कि मां के रूप में पूतना बन के आई थी, तो पूतना को मारना है तो मां के रूप में अगर देख लूंगा तो क्या मार पाएंगे वो? नहीं। तो कुछ संतों कहना है कि मेरे लाला ने इसलिए आंख मूंद ली। कितनों ने कहा कि प्रथम युद्ध करने चले हैं, पहली बार शुरुआत हो और सामना हो एक स्त्री का, तो लाला ने आंख मूंद लिया। अलग अलग प्रकार के संतों की वाणी है। इधर उधर देखी और लाला तो आंख मूंद करके देख रहे थे। झट पूतना ने लाला को गोद में उठाया और उठाकर किनारे में दरवाजा के ओट में जाके अपने स्तन को उसके मुंह में डाल दिया।
लाला ने चाटना शुरू किया। सोचे पूतना कि ये तो पूरा पी ले, दूसरा पिला दूं। जैसे ही दूसरा स्तनपान कराने लगी, उसी वक्त सोचा कि अब तो मारने का वक्त आ गया है। तेज वायु रूप से आसमान की तरह उड़ गई और आसमान की तरह उड़ी और छोटे से लाला को लेकर वेग से ऊपर की ओर जाने लगी। मेरे प्रभु स्तनपान कर रहे थे, अब वो जोर जोर से उनके स्तन से दूध पीने लगे और दोनों हाथों से स्तन को दबाना शुरू किया। दबाते दबाते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब कह रही पूतना, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, अब लाला अब तो छोड़ दे मुझे। जैसे प्रभु कह रहे हो कि मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ता तो छोड़ता नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना चिल्ला रही, लाला छोड़, और प्रभु दबा दबा के उसके प्राणों को पीने लग गए। और पीते पीते जब उन पुरुष के प्राण निकल गए, आसमान से वेग से धरती पर आके गिर गई। भगवत प्रेमियों, वो पूतना का प्राण तो निकल गया, लेकिन जब गिरी तो 7 कोस तक जितने भी वन थे, पूतना का शरीर 7 कोस में फैल गया। हाथ पैर और विकराल चेहरा, क्रूर भयानक चेहरा, और पूरे जंगलों पे गिरती चली गई और जितने जंगल के लकड़ी उकड़ी थे सब उसी पे गिर गए हैं। और देखिए हमारे जो लाला है ना, उनके छाती पे खेल रहे हैं, लकड़ियां ऐसे गिर गई है और लाला ऐसे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इतनी जोर से आवाज हुई, आवाज जैसे हुई तो पूरे नंदगांव में हड़कंप मच गया। ये कैसी आवाज? आवाज सुनते ही जसोदा मैया दौड़ के पालने में गई। अरे मेरे तो लाला ही नहीं है, कहां चला गया मेरा लाला? दौड़ती हुई थोड़ी दूर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा अवस्था में हो गई। सब गांव के लोग दौड़े और दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर उस लकड़ियों के बीच में देख रहे हैं, अंदर में हमारे कन्हैया खेल रहे हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। खेल रहे हैं। रोहिणी मैया और गांव के सब लोगों ने उठा के लाया, लाके घर में लाई, गौमूत्र से नहलाया गया ठाकुर जी को, गौ माता के पूछ पकड़ा के घुमाया गया। किसका नजर लग गया मेरा छोरा को, किसका नजर लग गया? मेरे भाई बहन, माँ जो होती है ना, माँ ही है। अपने बच्चे को कुछ ना हो उसके लिए हर यतन जतन करती है। और इधर पूतना का क्या हुआ? वो जो वृक्ष गिरे थे ना पूतना के ऊपर में, अपने आप भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान से सतगति मिली थी पूतना को, जो सतगति जसोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, वो सतगति प्रभु ने पूतना जैसे क्रूर राक्षसनी को दे दिया। और जब अचानक उसमें अग्नि प्रवाहित हो गई, अग्नि जब लगी तो उसके अंदर से चंदन की खुशबू पूरे वातावरण में फैलने लग गए। अब बोलेंगे क्यों? कि जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों हो जाए, चाहे वो जितना भी बुरा हो, तो हमारे कन्हैया तो ऐसे ही हैं। हम कितनी भी गलती करें, अगर अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दें तो भगवान उसे अपना लेते हैं, आपकी सब बुराइयों को ले लेते हैं और आपको सतगति और बुद्धि दे देते हैं। आज पूतना का वही हुआ। मैया ने खूब नजर उतारी, गौ माता के मूत्रों से नहलाया, पूछ से घुमाया, गौ माता की फेरी लगाई, तब जाके शांति मिला मेरी जसोदा मैया को, तब जाके। तो भगवान से प्रेम,
आप जब भगवान से प्रेम करेंगे तो ही हम सतगति के अधिकारी होते हैं। तो ये जो पूतना थी कौन थी, जानना चाहेंगे? जानना है। ये पूतना राजा पली की कन्या थी, रत्नमाला। जब बावन भगवान बलि के दरवाजे पे 3 पग भूमि के लिए आए थे, छोटे से बालक के रूप में, सन्यासी रूप में, तो रत्नमाला को देख कर ना दिल में इच्छा हुई कि हे प्रभु, अगर पुत्र हो तो ऐसा हो। इतना प्यारे दिख रहे थे मेरे बावन अवतार, मेरे ठाकुर जी। तो भगवान मन ही मन कहे तथास्तु। और जब 3 पग भूमि मांगकर सब कुछ छीन लिया बलि से भगवान ने, छल से, तो उसके मन में क्रोध आ गया और बोली, ऐसा पुत्र को तो जहर देके मार देना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से,